गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा सीन फाइव तक हमने पढ़ लिया था। सीन फाइव में हमने पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई को ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपना जो किला है वो खाली कर दें, यानी उनका जो शासन है उसको छोड़ दें, उनको कोई शासन करने नहीं दिया जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीन सिक्स। नरेटर: बट द अपील इज टर्न डाउन। लक्ष्मीबाई एंड हर सन लीव क्वाइटली इन द पैलेस एट झांसी फॉर 3 ईयर अंटिल 1857 व्हेन द म्यूटनी ब्रेक्स आउट। तो नरेटर कहानीकार बता रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपील की, प्रार्थना की, लेकिन उनकी अपील है वो खारिज हो जाती है, यानी उनकी अपील पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है, और फाइनली लक्ष्मीबाई और उनके बेटे को किला छोड़ना पड़ता है, यानी उनको शासन का अधिकार छीन लिया जाता है उनसे, और वो झांसी में ही एक महल में 3 साल तक रहती है, यानी 1857 तक, जब तक म्यूटनी होता है क्रांति संग्राम, जब तक 1857 का संग्राम नहीं होता है तब तक वो अपने महल में आराम से रहती है बिना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट के कुछ भी किए। ठीक है, एट द रानीज पैलेस वन बाय वन द मैसेंजर रिपोर्टेड द लेटेस्ट न्यूज़। अब ये जो सीन है ये रानी के महल का सीन है जहाँ पर एक के बाद एक दूत आ रहे हैं और रानी को खबर दे रहे हैं जो लेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि संग्राम चल रहा है 1857 का, तो वो बता रहे हैं उसके बारे में क्या नई न्यूज़ है। मैसेंजर वन: रानी, देयर इज़ अ कॉज ऑल अराउंड, सोल्जर्स आर रिफ्यूजिंग टू यूज़ देयर राइफल कार्ट्रेज। तो जो मैसेज है, दूत फर्स्ट है वो बताता है, जो पहला दूत है वो आता है और बताता है कि हर तरफ शोर है, हर तरफ बगावत है, जो सैनिक है उन्होंने मना कर दिया है राइफल को यूज़ करने से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कभी कि एक 1857 में जो क्रांति है वो मेनली हुई थी सैनिकों के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पर जो उनको राइफल दी गई थी ना उसमें गाय की चर्बी लगी होती थी बेटा। ठीक है, और उसे मुंह से छीलना पड़ता था, तो जो हिंदू सैनिक है उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि गाय जो है वो हम पूजते हैं गाय को। ठीक है, तो उसकी वजह से जो क्रांति है वो हुई थी 1857 की। और तो दूत आते हैं और बताते हैं कि सैनिकों ने उस राइफल, जो कारतूस है, कारतूस वाली राइफल है, उसको यूज़ करने से मना कर दिया है, और इसलिए हर तरफ क्या है, बगावत का माहौल है। मैसेंजर टू: दीज सोल्जर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड थ्रोन इनटू पैरिजन। तो दूसरा दूत आता है, वो कहता है कि ये जो सोल्जर, इन्होंने ऐसे किया था, मना कर दिया था कारतूस यूज़ करने से, उन्हें सबको उनके पद से हटाया गया और उन्हें सजा दे दी गई है, यानी जेल में बंद कर दिया गया है। मैसेंजर थ्री: बट अदर सिपाही हैव किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर। लेकिन उनमें से कुछ बागी यानी जो बगावत करते हैं, तो उनमें से कुछ बगावत जो बागी थे उन्होंने अंग्रेजों के कुछ ऑफिसर्स को मार भी दिया। मैसेंजर फोर: लॉन्ग लिव द एम्पीरियर ऑफ इंडिया, द सिपाही हैव क्राउन बहादुर शाह जफर एट दिल्ली। ठीक है, तो एक कहते हैं कि जो रानी है उसकी जय रहे, इंडिया के जो शासक हैं उनकी जय रहे। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि कुछ जो सिपाही हैं बगावतकारी हैं उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का राजा बना दिया, क्राउन मतलब उनको राजा बना दिया। ठीक है, रानी थॉटफुली: यस नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्ट। तो रानी सोचते हुए कहते हैं कि हाँ, ये समय है कुछ काम करने का, कुछ करने का। आई एम सर्टेन वी कैन रिगेन द फोर्ट। मुझे यकीन है कि अब हम अपना राज्य, अपना किला वापस ले लेंगे। द फोर्स गार्डिंग इट्स इज़ वीक एंड अनप्रिपेयर्ड। जो फोर्स है, यानी जो वहाँ पर जो किले में जो सेना लगाई गई है वो कैसी है, अनप्रिपेयर्ड है, यानी उनका, उनको पता नहीं है। ठीक है, वो अभी कुशल नहीं है, अकुशल है। ठीक है, वो योग्य नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली अपने किले को जीत सकते हैं। गिव द कॉल टू आवर सोल्जर्स प्रिपेयर फॉर बैटल। मेरे सैनिकों को बुलाइए। ठीक है, यानी हमारे सैनिकों को इकट्ठा कीजिए और युद्ध की तैयारी कीजिए।